लास्टी अभी पढ़ाएंगे, थोड़ी देर बाद आएगा, अभी प्रमोशन नहीं हुआ है, अभी यही समझो। आई बराबर एन ई ए वी, वी इसकी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, बाद में उसी को ड्रिफ्ट बोलेंगे। अभी इतना लिखो जो आ रहा है रिजल्ट। आई बराबर एन ई ए वी। अब बच्चों इसके नीचे फिर एक प्रॉब्लम लिखो, सवाल, एग्जाम्पल। देखो ये कोई वायर है बच्चों, एक सवाल दे रहा हूँ आपको, और इस वायर में करंट फ्लो कर रही है 10 एम्पियर। इसका लेंथ है 10 मीटर, वायर का लेंथ है 10 मीटर, और करंट कितनी फ्लो कर रही है 10 एम्पियर, और लेंथ कितनी है 10 मीटर, करंट 10 एम्पियर। आपसे पूछा है कि फाइंड मोमेंटम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चल रहे हैं, तभी तो करंट आ रही है, तो उन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा, फाइंड मोमेंटम ऑफ। बच्चों हम लोग मैकेनिकल ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं, अभी धीरे धीरे चैप्टर बहुत खूबसूरत चैप्टर में चेंज हो जाएगा, बहुत सारी घटनाएं आने लगेंगी। अब आपसे पूछा है कि फाइंड मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टिंग वायर, ऑफ कंडक्टिंग वायर। अब मेरे को पता करना है कि इस वायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं जिससे करंट आ रही है, उसका मोमेंटम क्या है, मोमेंटम निकालना है। देखो मोमेंटम कैसे आएगा, मोमेंटम का फार्मूला तो बता ही सकते हैं आप, भाई भाई जो आप जानते हैं वही मेरे को बताना। बच्चों मेरे को मोमेंटम लिखना है, पी बराबर एम इंटू वी। एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है एम वी, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम एन इंटू वॉल्यूम ए एल। सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम कर दोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन, और हर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो इतने इलेक्ट्रॉन का, तो इंटू एम भी कर दिया। अब पी बराबर एन ए वी एल एम, वो थोड़ा दूर दूर रखा है ताकि आपको अच्छे से दिखे, दिख रहा है ठीक। अब इसमें ई से नीचे और ई से ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, अब और अच्छे से दिख रहा है, ये क्या है आई, वो लेंथ, ये इलेक्ट्रॉन का मास और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दिस इज द मोमेंटम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इन अ वायर। अब अगर कोई तार की लंबाई दे दे और कितना उसकी कितनी करंट जा रही है, तो सारे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आप निकाल सकते हो,
कितना पावरफुल मैकेनिक्स हो गई। हमें कोई तार में करंट बता दे और उसकी लंबाई दे दे तो मैं उसका मोमेंटम बता दूंगा। अब बच्चों आई कितना दिया है, कितना करंट है, 10 एम्पियर। तार की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 19, इलेक्ट्रॉन का मास 9×10⁻³¹ होता 9.19। लिखो, कोई प्रॉब्लम है क्या, 9.1 लिखना, लिख दो, यही लिखो। मोमेंटम क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आंसर समझ आया, ये नहीं समझ आया क्या, क्लियर है? जोर से बोलो, एन क्या है, व्हाट इज द स्मॉल एन, स्मॉल एन का नाम पढ़ो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम जोर से पढ़ा करो। तो कुल इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, इनटू वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम है ना, ए इनटू एल, तो कुल इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक का मोमेंटम इतना तो इतने इलेक्ट्रॉन का उतना, सही है? अब बच्चों जब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं करंट, अब इसके बाद आप लोग लिखेंगे करंट डेंसिटी, नंबर टू। करंट डेंसिटी की बात होगी, अब करंट से आगे जा रहे हैं, लिख रहा हूं करंट डेंसिटी। अब आपको थोड़ा करंट डेंसिटी समझाते हैं। ये मान लो ये कोई कंडक्टर है बच्चों, थोड़ा रुक के समझ के तब लिखना। देखिए ये कोई वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है, और करंट डेंसिटी इधर मैंने ऐसे लिखा जे। जे का मतलब क्या है, करंट डेंसिटी, इसको मैंने नोटेशन जे लिखा है। आई माने करंट, एबीसीडी पढ़ो, आई के बाद क्या आता है, हाँ, तो करंट के बाद क्या आता है, वही लिखा है, इसलिए आई के बाद जे लिखा है। आई के बाद के आता तो के लिख देते, तो आई के बाद जे लिखा गया, जे माने करंट डेंसिटी। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कमरे में एयर चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसे किसी तार में करंट हर तरफ जा रहा है, तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, करंट नहीं डेंसिटी निकालेंगे। सही तरीका क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कमरे में कितना एयर है, तो इस वॉल्यूम में आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा, कि तराजू लेके तौलोगे एयर हैं। इसलिए हम करंट जरूर पढ़ रहे हैं, पर हम करंट को समझने के लिए यूज़ करेंगे जैसे वॉल्यूम, जैसे एयर को समझने के लिए, मास को जानने के लिए एयर की डेंसिटी यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम करंट को जानने के लिए क्या यूज़ करेंगे, करंट डेंसिटी, बिकॉज करंट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द कंडक्टर, हर तरफ है वो, तो उसको मैंने जे दिखाया, और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो बच्चों इस जे को ना ऐसे दिखाया इधर, और जिस सरफेस से निकल रहा है ये सरफेस वेक्टर हो गया एस, समझ आ रहा,
तो ये करंट डेंसिटी और ये सरफेस वेक्टर है। अब इसको रिजॉल्व करो आप, अगर ये एंगल थीटा है, दिस वन इज नाउ थीटा, तो बच्चों इस एस का कंपोनेंट इधर काम करेगा, इधर जो काम करेगा वो क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा। अगर सोचो जरा आप, अगर इतना एरिया एस है तो एस कॉस थीटा तो यही वाला एरिया होगा बच्चों, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला एरिया। अगर ये एस है और ये थीटा है तो इसको मैं प्रूफ करूंगा ये भी थीटा होगा, तो इतना जो एरिया आया ये वाला, दिस इज नाउ एस कॉस थीटा, और एस कॉस थीटा इज नथिंग, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब करंट किस एरिया से आएगा, सरफेस एरिया से आएगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया से? तो ऑलवेज कैपिटल ए इज क्रॉस सेक्शन, बिकॉज करंट एसोसिएटेड विथ सरफेस एरिया और विथ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कौन सा एरिया करंट के लिए है, क्रॉस सेक्शन एरिया। बच्चों इस बात को बताने के लिए आपकी किताब में ऐसा चित्र बनाया है, टीचर इसको आपको बताना चाह रहा था कि देख भाई तेरा जो करंट है ना वो क्रॉस सेक्शन एरिया से रिलेटेड है, तो कैपिटल ए हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। अब इधर क्या लिखना बच्चों मेरे को, ऐसे लिखना, देखो सुन, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, आई बराबर जे डॉट डी एस, आई बराबर क्या हुआ, जे डॉट डी एस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, माइक्रो, मतलब तार में करंट से करंट डेंसिटी आ रहा कि करंट डेंसिटी से करंट आया, करंट डेंसिटी से करंट आया, हमेशा करंट डेंसिटी माइक्रोस्कोपिक है, तो सबसे छोटी यूनिट करंट नहीं है, करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी से करंट आता है ना कि करंट से करंट डेंसिटी। ये बात समझाने के लिए इसे लिखा गया। तो बच्चों इसका नाम है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, करंट एवरेज प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक। और ये जो लिखा है ना ये माइक्रोस्कोपिक है, हमें नीट और जेई मेंस एडवांस के लिए इतनी बात बताने के लिए ही ये लिखा है, बाकी उस फिगर की जरूरत बोर्ड में था उसे पास कर गए। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव जैसा है। अब एक इसके पैरेलल में कोई बात लिखना है मेरे को, देखो आई बराबर, एक बार बच्चों बताना जल्दी से, तो आई बराबर क्या है, जे डॉट डी एस, ये जे क्या है, हाँ ये करंट है, देखो ये क्या है, करंट है, और अपान क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, बराबर जे है, जे का मतलब करंट डेंसिटी, करंट अपान एरिया माने करंट डेंसिटी, कौन एरिया, क्रॉस सेक्शन। अच्छा एक बात बताना, ये फाई बराबर क्या है, फाई ई डॉट डी एस, फाई क्या है, फ्लक्स, पैरेलल दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा पैरेलल, हाँ दिख रहा होगा। तो बच्चों जब ये जे को करंट डेंसिटी बोल सकते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हो, हाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, एम्स के पेपर में पूछा हुआ है, आप घर पे जाके पेपर जब देखोगे
डायमेंशन वाला, तो उसमें एक साल यही था कि फ्लक्स डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, तो फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट माने इनर्जी पर यूनिट चार्ज, डायमेंशनल फार्मूला निकाल के देख लेना। अब कई बच्चे टेंशन में आ गए, फ्लक्स डेंसिटी क्या है, फ्लक्स तो पढ़े थे, फ्लक्स डेंसिटी क्या है? अबे फ्लक्स डेंसिटी फील्ड है, जैसे यहाँ है करंट डेंसिटी, ऐसे यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी। इसको पैरेलल में दिखाने के लिए उसको लिखाया है। तो बच्चों, एक चैप्टर में हमने करंट डेंसिटी को समझा कि ये करंट डेंसिटी क्या है। अब एक एग्जांपल दिखाएंगे आपको, इसको लिखने के बाद आप बोलिए तो मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करें। हाँ, अभी आप लोग ठीक कर रहे हैं, ऐसे लिखते रहिए। एग्जाम्पल, ये कोई कंडक्टर है, ऐसे बना दिया, ऐसे कोई तार है, ऐसे बाजार से ले आया और इसको लगा दिया बैटरी, बैटरी से कनेक्शन दे दी। एरिया A1 और एरिया A2, A1 A2 से बड़ा, क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये पॉइंट, दो पॉइंट है बच्चों, A1 और A2। पूछा है कि इसमें कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, अभी लिख रहा हूँ इधर, उसी के नीचे एग्जांपल डायरेक्टली आना है। आप जैसे वो लिखा ना, उसी के तुरंत नीचे इसे दिखाना है। लिखा है विच इज आर ट्रू, ऑप्शन J1 greater than J2, I1 less than I2, J1 less than J2, I1 greater than I2, C, J1 less than J2, I1 बराबर I2, ऑप्शन डी, I1 less than I2, J1 बराबर J2, ABCD चारों में आपको बताना है कौन कौन सही है या कौन सही है, ये बताना है। बच्चों, इसमें कौन सही है? सी सही है। क्यों? बैटरी की प्रॉपर्टी है, जितना करंट देगा उतना करंट लेगा, तो जितनी करंट यहाँ से जानी है उतनी यहाँ से भी जाएगी, करंट नहीं बदलता। अगर 1 एम्पियर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा तो नेगेटिव में क्या 50 एम्पियर हो जाएगा? वो तो उतना ही रहेगा। 1 लीटर पानी चलेगा तो क्या दूसरे किनारे पर 10 लीटर बन जाएगा? तब तो करंट नहीं बदलेगा ना, बैटरी लगी है। अब I1 और I2 तो फिक्स है बच्चों, ये तो पक्का है कि I1 बराबर I2 सही है, और एक ही ऑप्शन था, तो उसे देखते ही तो बच्चा टिक कर देगा, बोलेगा जाओ बाकी समझो बाद में, करंट तो बराबर हो गए तो तय है, और वो एक ही ऑप्शन है। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट अपान एरिया। अगर करंट कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी इनवर्स हो गया एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के, तो मोर क्रॉस सेक्शन एरिया लेस करंट डेंसिटी, लेस क्रॉस सेक्शन एरिया, तो J1 और J2 में ये रिलेशन आ गया। बच्चों लोग, इतना समझ में आ गया? थोड़ी और एक बात कर लें पहले,
ये आपके किताब में लिखा है एनसीईआरटी का पेज जब पलटोगे तो ऐसे चित्र बना होगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, समझ लेना यही वाला बात है। उसी के नीचे लिखा है इट्स इनवर्स आल्सो पॉसिबल। क्या लिखा है? इट्स इनवर्स आल्सो पॉसिबल। अब इसका उल्टा क्या समझेंगे आप? आगे कुछ नहीं लिखा है, बस इतना लिखा कि इसका उल्टा संभव है। अब इसका उल्टा जो समझ लो आप, क्या समझ रहे हो? अब उसमें किताब में लिखा है कि इट्स इनवर्स आल्सो पॉसिबल, अब उसका मतलब आप जो निकाल लो वही सही है, क्योंकि आगे कुछ लिखा ही नहीं उसने। उसी लाइन को मैं एक्सप्लेन करके फिर बच्चों यहाँ पे रोकूंगा। इट्स इनवर्स आल्सो पॉसिबल, आल्सो पॉसिबल, इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। अब इसका इनवर्स पॉसिबल होने के लिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। आप लिखेंगे एक हमने इंसुलेटर लिया, ध्यान देना आप, ऐसे ही लिया जैसे उसका डिजाइन था, ये लिया, उसमें मैंने बैटरी लगाई थी, इसमें बैटरी नहीं लगा रहा हूं, उसमें कंडक्शन करंट थी और इसमें कन्वेंशनल करंट लेना है, इसीलिए इसका नाम मैंने लिखा था, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में जहाँ जहाँ मुश्किल पॉइंट्स है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं नया नया नाम दिया है, और उसको जब समझेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों लिखा है, कहाँ के लिए लिखा है। तो इसलिए कन्वेंशन एक वर्ड यूज़ कर लिया था शुरू में ही मैंने। अभी कुछ और बातें डिस्कस करनी है, पहले इसको सुन लो। अब बच्चों ये बादल है, क्या है? बादल, आसमान वाला बादल, और बादल हवा के साथ साथ जा रहा था, तब तक मानसून बन गया, कहीं पे प्रेशर ड्रॉप हुआ, एयर की स्पीड बढ़ गई और बादल में फ्रिक्शन वाला चार्ज डेवलप हो गया। तो ये बादल में चार्ज डेवलप हो गया फ्रिक्शनल, और 3D है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये चलने लगा, चल रहा है, वेलोसिटी से भगा जा रहा है, बादल चार्ज लेके जा रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बताइए जो इसमें करंट आएगी वो कंडक्शन होगा कि कन्वेंशन होगा? कन्वेंशन होगा, जो मैंने नाम दिया वो होगा। तार में नहीं चल रहा है ना, वो तो पूरा वायर, पूरा मटेरियल ही चल रहा है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। एक काम करें बच्चों, यहाँ पे आपको छोटा सा सेगमेंट लेना चाहिए, ये ले लो, चलो ले लिया, और ये लेंथ हो गया dx, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया मान लो a, इसका a। अब सब लोग बताइए, पूरे लोग बताइए भाई, आई का मान क्या लिखोगे बच्चों? dq/dt, हाँ, dq वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलो, a इंटू dx/dt। अब आई बराबर रो ए वी, आई बराबर रो ए वी, तो करंट प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड आई अपान ए बराबर रो इंटू वी, एंड रो इंटू वी बराबर कांस्टेंट। बच्चों समझ गया? कन्वेंशनल करंट में क्या आया, अगर सपोज देर आर टू डिफरेंट पॉइंट 1 and 2, हियर a1 greater than a2, a1 greater than a2, बट यू नो करंट प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो करंट इज नॉट इक्वल हियर, करंट इज डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लेस,
वेयर इज मोर करंट, आई वन इज ग्रेटर देन आई टू, पहले वाले में क्या था करंट इक्वल और इस वाले में करंट अनइक्वल, उस वाले में करंट डेंसिटी अनइक्वल और यहां करंट डेंसिटी में आप लिख रहे हो जी बराबर रो वी, ना तो रो बदला ना तो वी बदला, तो बच्चों जे वन बराबर जे टू, तो बताओ उसका इन्वर्स किताब में लिखा है, इट्स इन्वर्स आल्सो पॉसिबल, तो समझ आया कहाँ के लिए लिखा है, कंडक्शन को बताया है टीचर ने, कन्वेंशन आपके लिए छोड़ा है कि समझ लो अपने से, उसी को समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया गया है। अब बच्चों मैं करंट डेंसिटी पे यहाँ पे रोकना चाह रहा हूँ सरफेस, लेकिन अभी ये आपका जो थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि टीडीएस की क्लास में अब मॉडर्न फिजिक्स नहीं चल रहा है, बेसिक चैप्टर चल रहा है, सीरियस चैप्टर चलेगा, इसलिए सभी लोग फुल्ली एनर्जेटिक, आप सुबह से पढ़ते हैं, आप में काफ़ी ठीक है, अच्छा है, पढ़ना ही है क्योंकि एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा, और उसको पढ़ाने के लिए अगर टीचर आपके साथ इफर्ट कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा सीख जाएं तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, नहीं तो लोग 100 आर्ट्स में पूरी फिजिक्स समेट देते हैं तो उसमें तो चैप्टर उस बच्चे का कई बार रिवीजन हो जाएगा फिर तैयारी में, तो आप उसके लिए अलर्ट रहिए, दैट मीन प्रिपेयर रहिए, और जब टीटीएस की क्लास होगी फिजिक्स की, क्योंकि लास्ट में अब आप इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़ेंगे, सभी जगह पूरा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ बहुत सिंपल नहीं दिखेगी, हर जगह पेज में पेज फंसे रहेंगे, तो इसलिए आप उसको अच्छे से सीखेंगे तो शुड भी आपका ब्रेन एनर्जी हायर लेवल का हो, तो थोड़ा बीच में ब्रेक व्रेक करके नाश्ता वास्ता कुछ कर और लिया करो, चाय पी लिया करो, फिर इसके बाद बैठो, क्योंकि बच्चों पढ़ना ही है और जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते उसका मतलब ही है पढ़ना, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही कोचिंग जाना जाता है और वही हो रहा है और वही होगा, ताकि जो भी आप पढ़े रहे हैं वो सब पेपर में रहे तो आपको अच्छा लगेगा, सर ने इतना सब पढ़ाया इसलिए आज मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो चलिए आज की बात यहीं पे रोक दिया जाए, अगले क्लास पे फिर हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है ज़रा लिख लो, नहीं हम ही भूल जाएंगे। अब आपको क्या बताना रहेगा, सरफेस करंट डेंसिटी, क्या नाम दिया, हाँ कभी कभी टीचर पूछते हैं सरफेस करंट डेंसिटी बताओ, तो स्टूडेंट खुश हो जाते हैं करंट डेंसिटी बता देते हैं, बड़ा कॉमन डिफरेंस है, सरफेस करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी अलग अलग है। अब हम सरफेस करंट डेंसिटी की बात करेंगे,